दीपावली का त्यौहार वैसे हिंदुओं का त्यौहार माना जाता है, लेकिन धर्मनगरी डोंगरगढ़ में लगभग सभी समुदाय के लोगों के द्वारा यह त्यौहार को अपने अपने तरीके से मनाकर एंजॉय करते हैं। इस दिवाली की खास बात यह होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिट्टी से बने दीयों से अपने घर आंगन को जगमगाता करेंगे। हनुमान भक्त समिति 11,000 मिट्टी के दिए जलाकर दीप उत्सव की शुरुआत करेंगे। दीप पर मतलब चारों ओर रोशनी ही रोशनी से जगमग होगा शहर। इस बार के दीपों के त्यौहार जिसका ताल्लुक मिट्टी से बने दिए हैं, जो दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रही थी, इसके जगह चाइना दीपक ने स्थान जमा लिया था। लेकिन इस बार के दीपावली में मिट्टी से दीयों का उपयोग करने की अपील छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की घोषणा के बाद आम नागरिकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। डोंगरगढ़ में वर्षों से निवासरत कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं और हर दीपावली में हजारों लाखों दीयों का भी निर्माण करते हैं, लेकिन उनके दिए की बिक्री सम्मानजनक नहीं हो पाती थी। अब जब से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है मिट्टी के दिए से दीप पर्व मनाया जाए, तो इसका फायदा भी मिल रहा है। जी हां, बाजारों में जगह जगह दीयों का पसरा लेकर बैठे, जिसका अच्छा माहौल मिल रहा है। इसी प्रकार से शहर के मुख्य चौक चौराहा पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसको देखने के लिए शहर के सभी वार्डों से लोग पहुंचते हैं। राजनांदगांव जिले के बाद सबसे बड़ा तहसील डोंगरगढ़ में त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना ना घटे, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने पूरी तरह से चौकसी बरती हुई है और चप्पे चप्पे पर पहरा रखा हुआ है। ये जो दिया अभी कहाँ करो थे, ये दिया पका रहे थे, एक मिनट लेके बात करो, बताओ नहीं करना, इसमें दिया पका रहे हैं, इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं इसमें पकाने के लिए। फिर उसके बाद बाजार में ले जाते हैं इसमें। हाँ भैया बताएं, ये धर्मनगरी में दीपावली के एक अलग महत्व रहता है, उसके बारे में बताएं। यहाँ सभी प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, एक दूसरे से मतलब मिलजुल के अपना त्यौहार मनाते हैं। और मैं आज से नहीं करता हूँ, 15-20 साल से अंदर दुकानदारी कारोबार किया है, उसमें क्या है सभी व्यापार समय पे उठ जाता है। जैसे अभी शासन ने कहा है, जैसे मुख्यमंत्री जी, कि लोग जो कुमार का बना हो दिया का उपयोग करें, तो आपको कैसा लगा? नहीं, क्या है उसमें धर्म के हिसाब से दिया का उपयोग तो जरूरी है, पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसको तो एक एक बंद नहीं किया जा सकता, उसे तो रोशनी से पूरा शहर जगमगाते रहता है। बताए जो दीपोत्सव का जो कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है, उसके बारे में। विगत पिछले वर्ष भी श्री हनुमान भक्त युवा समिति, शक्ति वाहिनी और भंडारा समिति के तत्वाधान में 5100 दीपों का प्रज्वलन कर दीप उत्सव पर्व मनाया गया था। इस वर्ष भी धनतेरस के पावन पर्व पर दिनांक 25 अक्टूबर 2019 संध्या 6 बजे महावीर मंदिर प्रांगण में दीप उत्सव पर्व का आयोजन किया गया है, जिसमें 11,000 दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा, जिसमें नगरवासियों का सहयोग, आम जनता का सहयोग, माताओं का, बहनों का और वृद्धजनों का भरपूर सहयोग पिछले वर्ष मिला था और इस वर्ष भी निश्चित तौर पर मिलेगा। आपके समिति में सभी धर्म के लोग काम करते हैं, तो कैसा लगता है? हमारी समिति विगत 6 वर्षों से सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में कार्य कर रही है और हमारे टीम में मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई सहयोग प्रदान करते हैं। हर आयोजन में इनका भरपूर सहयोग हमें मिलता आया है और आशा है कि आगे भी मिलता आएगा। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद